आगे भी पड़ती है सामने में, सामने डालती है आगे में क्रिस्टल वाटर है ना। नहीं नहीं अभी नहीं, पहले होटल जा रहा हूँ मैं अभी। अच्छा है ना, अभी पूरा कंप्लीट फोटो भी पूरा मिलेगा। नहीं नहीं, और फाइनली पहुँच गए हम डाउकी 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 डाउकी। और इतना ज़्यादा जाम था उधर, पार्किंग। अब एक होम स्टे ढूँढेंगे या होटल ढूँढेंगे, होटल ढूँढ के बैठेंगे। अभी मैं रुका हूँ ये पीछे वाला गेस्ट हाउस में, और सामने ही एटीएम है तो कैश विड्रॉल कर लिया। और अभी जा रहा हूँ लेक की तरफ, नॉट लेक, रिवर की तरफ। डाउकी रिवर का एंट्रेंस कुछ इस टाइप का है। सुपारी ही सुपारी, सुपारी का रुख ज़्यादा इधर, और उधर देख रहा है उस साइड रिवर। रिवर में नाला जा रहा है, ये गंदा नाला, वो भी रिवर में ही जाएगा। फाइनल टिकट हो गया 800 रुपए में, वो वहाँ के फोर्स है 800 रुपए एक बोट का। और अपना बोट का कैप्टन आगे जा रहा है, कैप्टन बहुत जल्दी जा रहा है, मेरे यहाँ पेट से काम नहीं कर रहा है सही से। अब 45 मिनट्स घुमाएगा बोल रहा है, देखना पड़ेगा अब कितना घुमाता है। तो फाइनली डाउकी रिवर पे पहुंच गया, लेकिन पानी उतना क्लियर नहीं है अभी, और बहुत भीड़ है इधर। मेला लगा है, कुंभ का मेला। अभी बैठ गया मैं बोट में, अपना बोट का कैप्टन उधर है। अभी निकलते हैं डाउकी की तरफ, अब जाएगा धीरे धीरे बोट उस तरफ। कप्तान साहब को पूछते हैं बांग्लादेश बॉर्डर किस साइड है। ये बांग्लादेश बॉर्डर किस साइड, ये वाला बांग्लादेश है। वो आदमी सब बांग्लादेश का, इंडिया का नहीं है, इसलिए ज्यादा भीड़ है। अभी वहीं पर बैठा है ना वो लोग। मैं बाइक से आया हूँ ना, हाँ अकेले। हाँ नहीं नहीं, दोस्त लोग बहाना बनाते हैं ना, नेक्स्ट टाइम चलते हैं, अभी टाइम नहीं है, काम है, वो सब। तो अकेला आ गया, और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी स्विम कर सकता है अगर स्विमिंग आता है तो, वरना डूब जाएगा भाई, बहुत गहरा है पानी। और इधर पर कैंपिंग भी कर सकते हैं आप लोग, साइड में टेंट भी है, और उसका पर हेड 1500 का चार्ज है। और खुद का टेंट लेके आने से भी 1500 ही देना पड़ेगा, खुद का टेंट लेके आने से भी 1500 ही देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा मतलब अगर, क्योंकि इधर में सिर्फ टूरिस्ट रहता है, मतलब अलाउ नहीं है ना भाई। हाँ गाइड भी रहना पड़ेगा। ए हाँ, वो गाइड के पास गाइड का कितना देना पड़ेगा वो तो मालूम नहीं भाई। अच्छा, अगर आप अकेले आते खुद का टेंट लेके
तो अलाउड करते, लेकिन एक गाइड होना पड़ेगा इधर, विदाउट गाइड अलाउड नहीं करते इधर, क्योंकि ये तो बॉर्डर एरिया है ना। हाँ, बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया पास, क्योंकि बॉर्डर एरिया पास है ना। कभी कभी क्या बांग्लादेश बांग्लादेश गाड़ी में है। हाँ, ये पत्थर चोरी करता है। अच्छा, इसलिए पत्थर चोरी करता है। हाँ, ये वाला क्यों? वो बहुत डिमांड करता है ये पत्थर। है ना, पत्थर का स्मगलिंग होता है इस जगह में, इसलिए यहाँ पर गाइड होना ही पड़ेगा। और आर्मी का पेट्रोलिंग भी होगा इधर, बीएसएफ का, और बीएसएफ का पेट्रोलिंग भी होता है अगर यहाँ पर कुछ पत्थर का स्मगलिंग किया तो फिर बीएसएफ पकड़ लेगा। स्विमिंग करने का मन तो था, लेकिन यहाँ पर बहुत अभी ठंड है। फ्लो बहुत तेज है, यही तक है। बैम्बो का ब्रिज है एक इधर, यहाँ पे दुकान भी है। और कैप्टन ने घुमा दिया बोट। अब खाने के लिए क्या क्या दे के खाएंगे भाई? जूस भी मिलेगा ठंडा ठंडा। हाँ बेटा, किस चीज का? यूट्यूब चैनल। हाँ हाँ, क्लासिक वंडरवर्ल्ड बोल के। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, क्या नाम है? क्लासिक वंडरवर्ल्ड। क्लासिक वंडर वंडरवर्ल्ड, क्लासिक वंडरवर्ल्ड। सब्सक्राइबर बढ़ गया एक। फैमिली ट्रिप लग जाएगा। इधर नेटवर्क का इश्यू है ना, अपलोडिंग करने में टाइम लग रहा है। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम वेदर्शी डोंगरवार। अच्छा, महाराष्ट्र से ना? महाराष्ट्र नागपुर। ओके, वीडियो में आएंगे आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। क्या क्या होगा खाने में? मैगी है, चाय है। अभी चाय लूंगा। चाय पी लिया 20 रुपए का। अभी जा रहा हूँ और ऊपर के नज़ारे देखते हैं। ऊपर भी एक बोट है, वहाँ पर भी, और वहाँ पर एक बैम्बो ब्रिज है। ब्रिज के पास जाते हैं। यही है बैम्बो ब्रिज, पता नहीं कितना मजबूत है। चढ़ लिया साला। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, आगे रास्ता ब्लॉक है। बहुत सारा आदमी लोग यहाँ पर फोटो ले रहा है। अभी पानी का फ्लो बहुत तेज है इधर पे, और आगे जाके थोड़ा फ्लो कम होगा। ये है ब्रिज। ये साइड है तौकी रिवर का छोटा सा दुकान, यहाँ पर खाने के लिए सब मिल जाएगा। तो अभी
निकल रहे इस जगह से रूम की तरफ, और जाने से पहले कुछ खाएंगे रास्ते में। अब वीडियो एडिटिंग भी करना है, बहुत काम है अभी। पत्थर तो दिख जाएगा भाई, लेकिन अच्छी तरह से धूप लगने से और भी क्लियर दिखता है। तभी पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, उसी जगह पहुंच गए, और टाइम भी 4 बजने वाला है। और उस साइड बहुत भीड़ दिख रहा है, वो साइड बांग्लादेश है और इस तरफ इंडिया। ओके थैंक यू। तो हो गया फेरी भी, घूम लिया दौकी रिवर। ओ साइड है बांग्लादेश, बांग्लादेश का व्यू है, ये साइड है इंडिया। बीच में जो थोड़ा थोड़ा पत्थर लगा है वही है बॉर्डर, और उधर आर्मी भी बैठा है, बीएसएफ वाले, वो क्रॉस करने नहीं देगा इधर। थोड़ा स्ट्रिक्ट है भाई इधर, इधर है ना बॉर्डर। ये लाइन पूरा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है। इस साइड बांग्लादेश, बांग्लादेश में भीड़ काफी है, इंडिया में भीड़ थोड़ा कम है। अगर बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो ऊपर से बीएसएफ वाले चिल्लाएगा भाई। लेक में बोटिंग कर लिया, अभी मैगी के लिए इधर रुका हूँ। मैगी का 50 रुपीस पड़ेगा ऐसा बोल रहा है, मैगी खाएंगे उसके बाद ही होटल जाएंगे। और यहाँ पर सुपारी सुपारी है, पूरा सुपारी का पेड़ है चारों तरफ। एक राउंड दिखा देता हूँ, ये है पूरा सुपारी सुपारी का पेड़। टाइम अभी हुआ है 4:15, अभी मैगी खाएंगे और मैगी खा के रूम की तरफ जाएंगे भाई। और अभी टाइम हुआ है इट्स 4:56, टाइम अभी 5 बजने वाला है, और मैं अपना होटल रूम पे हूँ। और ये दौकी में मुझे होटल उतना अच्छा नहीं मिला, लेकिन ओवरचार्ज है यहाँ पर, 1500 का रूम है ये, सिंगल बेडरूम, छोटा सा रूम है। आगे एक मिरर है, चार्जिंग पॉइंट उधर है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर वॉशरूम है अंदर, बस उतना ही। यहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क भी नहीं और वाईफाई का कनेक्शन भी नहीं है इधर, वाईफाई के लिए थोड़ा दूसरे जगह जाना पड़ेगा सिटिंग रूम पे। तो आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं।
thank you all for watching my video. If you have not subscribed, then please hit subscribe button and like button. और आपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. Thank you all for watching.